तो भाई ये लो जी आ गया मटन। चंपारण से ही मटन का मतलब ये चला था, हांडी मटन, हांडी मटन, चाहे मटन स्टू, चाहे तावा चिकन, तावा मटन, अच्छा, जो भी है चंपारण में ही ज्यादा फेमस है। अच्छा। इसलिए उसको चंपारण के नाम से ही बोला जाता है। तो उसके प्याज में उसको भूना जाता है पहले, अच्छे से भूना जाता है। ठीक है। और उसमें टमाटर का कोई मतलब ये कंपेयर नहीं रहता उसमें, कहता ही नहीं भाई। अच्छे तरीके से खाना है, बढ़िया खाना है, तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा ही, और इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो बकरे को तो वैसे भी ज़्यादा भूनना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा टाइम लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू फ्रेश वीडियो। एक नई स्वादिष्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो भाई आज हर के हम चाचा भतीजा चंपारण मीट वाला पे, और आज बनने वाला है यहाँ पे चंपारण मीट। तो उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे कैसे बनता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुमन। सुमित? सुमन, सुमन, सुमन। तो सुमन भाई जनाब बनाने जा रहे हैं आज मटन, वो भी चंपारण स्टाइल में। तो ये खड़े मसालों की प्रोसेस चल रही है। तो क्या क्या है इसमें भैया? तेजपत्ता है, सूखा मिर्च है और गरम मसाला है। अच्छा, एकदम शुरुआत से दिखाने वाले हैं कैसे चंपारण मीट तैयार होता है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो ये लो जी आपका स्टार्ट हो गया अभी प्रोसेस। तो भाई ये लो जी कढ़ाई में पड़ गया है सबसे पहले तेल। ये कौन सा तेल है? धारा का तेल है। धारा का यूज़ करते हो? तो भाई और तेल का लगभग कितना जाता है क्वांटिटी? क्वांटिटी 2.5 kg में 250। 2.5 kg में 250 ग्राम। तो भाई ये पड़ गए आपके खड़े मसाले। खड़े मसाले तेजपत्ता, ये आ गया भैया लहसुन, ये आ गया लहसुन। इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी भैया? 150 ग्राम। 150 ग्राम। आ गया भैया प्याज। तो भैया ये डल गया है आपका मटन में प्याज 2.5 kg। कितना है क्वांटिटी भैया की? 2.5 kg प्याज। 2.5 kg। स्वाद नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। ठीक है। तो भाई अभी मटन में ये प्याज डाल दिया है आपका, और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। भैया मटन की क्वांटिटी कितनी है ये? 2.5 kg है भैया। 2.5 kg मटन है भाई जी भैया। सारा पीसेस आएंगे? सारे पीसेस आएंगे इसमें। तो भाई अभी इसे धोना है, थोड़ा धोना है। तो भाई ये लो जी आ गया मटन। भाई चंपारण मटन क्यों बोला जाता है? जैसे ये चंपारण तो जगह है। चंपारण देखिए, चंपारण मटन वहीं से चालू हुआ। चंपारण से? अच्छा। चंपारण से ही मटन का मतलब ये चला था, हांडी मटन, हांडी मटन, चाहे मटन स्टू, चाहे तावा चिकन, तावा मटन, जो भी है चंपारण में ही ज्यादा फेमस है। अच्छा। इसलिए उसको चंपारण के नाम से ही बोला जाता है। तो उसके मसालों में कुछ डिफरेंट? मसालों में उसका बनाने का डिफरेंट है। तो और वहाँ के ट्रेडिशन मसाले कुछ ऐसा होता है? ट्रेडिशन मसाले ये होता है कि उसमें खड़े प्याज में, जैसे कि यहाँ पे ग्रिल करके प्याज डाला जाता है दिल्ली, लेकिन यहाँ पे है, और यहाँ पे टमाटर डाला जाता है, वहाँ पे है खड़े प्याज में उसको भूना जाता है पहले, अच्छे से भूना जाता है। ठीक है। और उसमें टमाटर का कोई मतलब ये कंपेयर नहीं रहता उसमें, कहता ही नहीं, टमाटर डालते ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो चंपारण को अलग बनाता है। तभी सबको चंपारण में मटन खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये भाई थोड़ा स्पेशलिटी है, तो जानना जरूरी है कि भाई क्या फ़र्क है, क्योंकि जब बनाते तो हम घर में भी है। तो अब जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये मटन कितनी देर तक रखना है अभी इसे बंद करके? मटन अभी मतलब इसको पहले अच्छे से भूना जाता है। हाँ, ढका जाता है, फिर खोला जाता है, फिर ये रहता है। अच्छा, कितनी देर तक रहता है ये प्रोसेस, मतलब ढकने का? ऐसे बनने का 45 से 1 घंटे लगता है। 45 से पूरा प्रोसेस है कि जो बनता है? हाँ। चंपारण मटन। अच्छा, अभी अच्छे तरीके से ये पक पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब मसाले आएंगे। तो भाई ये मटन को बनने में टाइम लगता है ना, गलने में टाइम लगता है काफ़ी, तो इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो करीब 45 से 1 घंटा इसको बनने में लगेगा। अब इसमें पड़ने वाले मसाले, ये जी डाल दी है आपकी हल्दी घर वाली, ये यही घर पे बनाते हैं, ये घर पे कूटी जाती है। और इसका क्वांटिटी लगभग कितना रहेगा? स्वाद अनुसार आती है। स्वाद अनुसार
तो वो डिपेंड करता है कितने लोगों के हिसाब से बना रहे हो। हाँ हाँ, जितना क्वांटिटी रहता है उसके अनुसार। अच्छा, मसाला ये मटन कितना, 2.5 किलो बताया ना आपने? 2.5 किलो, 2.5 किलो मटन और 2.5 किलो ही प्याज। ये डाल दीजिए इसमें लाल मिर्च, देगी मिर्च है ये? हाँ, देगी मिर्च। और ये लाल मिर्च, ये हो गई लाल मिर्च। तो भाई ये स्वाद अनुसार डालनी है। ये वाले बता, दोनों चालू है। दो मन हो गया जीरा मिर्च। ठीक है, क्या आ गया आपका? धनिया पाउडर, पूरा खाने। तो भाई ये हो रहा है आपका स्पेशल चंपारण मीट बन के तैयार हो रहा है, और इसको लगभग अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है अभी। तो भाई अच्छे तरीके से खाना है, बढ़िया खाना है, तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा ही, और इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो अच्छा खाना है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। चिकन तैयार है भैया? अच्छे तरीके, जितना भूनिएगा उतना ही स्वाद आएगा। हाँ, और उतना ही मतलब। अच्छा, माल पकता भी छोटा। अच्छा, तो बकरे को तो वैसे भी ज़्यादा भूनना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, ज़्यादा। तो अभी कितना टाइम लगेगा इसे बनने में? इसको बनने में 15 मिनट ऑलरेडी 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इसको बनते हुए, तो ये 15 मिनट और लगेगा और ये बन के तैयार हो जाएगा आपका चंपारण में। 370 पड़े भाई, 370। हेलो जी, आपका चंपारण मटन बनके तैयार हो चुका है, और भाई खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। और एक बार भाई से जान लेते हैं ये कितने रुपए का पड़ जाएगा, तो भैया एक बार बता दो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 150 रुपये में 2 पीस आएगा क्वार्टर में। अच्छा, 3 पीस में, 4 पीस आएंगे 300 रुपये में। अच्छा, उसको हाफ बोला जाएगा, और 600 रुपये में आएंगे 8 पीस जो कि इसको फुल बोला जाएगा। अच्छा, और आपकी ये ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है? हाँ, ऑनलाइन भी डिलीवरी होती है, मतलब 3 किलोमीटर के अंदर। 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। मिनिमम ऑर्डर होता है 300। 300 रुपये का आपको मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, अगर उससे कम होता है तो? उससे कम होगा तो डिलीवरी चार्ज लगेंगे। डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही। और एक बार लोकेशन बता दो। एक बार लोकेशन आपको आने पड़ेंगे बत्रा सिनेमा, नियर बाय सफल डेयरी के पास। ठीक है, और आपका PNB बैंक भी पड़ जाता है यहाँ पे? पड़ जाता है। ठीक है, PNB बैंक भी पड़ जाता है, और नियरेस्ट मेट्रो GTB नगर पड़ जाता है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यार यहाँ पे आना और भैया यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये भाई बहुत सपोर्टिव है यार, और यहाँ पे और बहुत अच्छा बनाते हैं, सही मैं दिल से बता रहा हूँ। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये देखो मैंने दोबारा दिखा दिया, तो चाचा भतीजा चंपारण मीट वाला, और भैया भी बहुत सब्सक्राइब कर। ठीक है भाई, अब तो भाई ने भी बोल दिया, कर देना है ना। तो मिलते हैं ऐसी किसी स्वादिष्ट वीडियो में, बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।